In the previous lesson, in the previous video, we have completed income method, we have completed expenditure method. Now we'll be covering the theory of value added method. Alright, so the step number one that you have to follow while calculating national income with the help of value added method is that you have to identify the sectors, you have to classify the sectors, primary, secondary and tertiary sectors. Next, step number two is that you have to calculate value of output. Now how is value of output calculated? Sales plus change in stock, or you can even calculate it by multiplying the market price of the goods sold with the quantity or amount of the goods sold. Step number three is calculation of value added. Value added is calculated as value of output minus intermediate consumption. Now value added is equal to GDP MP. Step number four is calculation of national income. How will you calculate national income? And national income का aggregate क्या होता है? NNP, FC, GDP, MP आपने निकाल लिया. GDP, MP में से आप depreciation minus करेंगे, net factor income from abroad को plus करेंगे और net indirect taxes को क्या करेंगे? Minus करेंगे तो आपके पास NNP, FC आ जाएगा. ठीक है, अगर आपने न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो दिस इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू, बिकॉज आप अपनी लैंग्वेज में भी जितना मर्जी चाहे इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज प्रिकॉशंस ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड. नाउ वट आर वेरियस प्रिकॉशंस दैट वी हैव टू टेक वाइल यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड. नंबर वन, वट इज़ नॉट इंक्लूडेड. Value of intermediate goods is not included. I'll explain it in the other question. The problem of double counting का question करेंगे, then I'll explain intermediate goods की जो value है वो क्यों हम include नहीं करते हैं. ठीक है, next देखिए, sale and purchase of second hand goods. जब ये goods first hand थे तब इनकी value already include कर ली होगी, इसलिए second hand goods को include नहीं किया जाता. Services for self consumption, जैसे teacher है वो अपने खुद के son को पढ़ा रही हैं, उसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस तरह की ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड नहीं करा जाता. सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स बाय कंपनी, ये भी इंक्लूड नहीं होता, बिकॉज ये सिर्फ पेपर ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं. अब क्या आप इंक्लूड करेंगे? कमीशन अगर अर्न कर रहा है कोई ब्रोकर सेल और परचेज करने के लिए सेकेंड हैंड गुड्स की, ठीक है, ऑल्दो सेकेंड हैंड गुड्स की सेल को नहीं आप इंक्लूड करते, ये देखो, बट अगर उस पर कमीशन कमाई जा रही है, ब्रोकर कमीशन कमा रहा है, तो वो इंक्लूड होगा, बिकॉज वो सर्विसेज देने के बाद ही कमीशन को चार्ज कर रहा है. ठीक है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. अगर एक फार्मर अपने लैंड के ऊपर वीट ग्रो करता है खुद कंज्यूम करने के लिए, तो येस, दैट विल बी इंक्लूडेड. इम्प्यूटेड रेंट अगर ऑफ ओन हाउस ऑक्यूपाइड बाय दी ओनर, अगर ओनर अपने ही घर में रह रहा है फिर भी उसका रेंट अपने बुक्स में शो कर रहा है, दैट विल बी इंक्लूडेड. सो ये तीन चीज़ें इंक्लूड करनी हैं और ये चार चीज़ें आपने इंक्लूड नहीं करनी जब भी आप लोग वैल्यू एडेड मेथड को फॉलो कर रहे हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what are the various difficulties in the measurement